स्टेट मैम प्लीज, स्टेट मैम लाला जी वे लाला जी इधर लेफ्ट में, लाला जी लेफ्ट में, लाला जी लेफ्ट में, यस मैम, इधर बैठा दो, यहाँ पे बैठा, यहाँ पे आपके राइट। नाना जी लेफ्ट में, यहाँ हाँ रोल है, ठीक है चलो पूछ लो, या कौन पूछ रहा है मैम? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे मिस डीवा के बारे में 2017 एक पूरा नया सीज़न है मिस डीवा के लिए, और इस बार हमने अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया है, तो यहाँ पे जो स्कोरिंग रहेगी गर्ल्स की वो थोड़ी सी अलग सी रहेगी। हमारे आगे आने एपिसोड्स में डीवास को टास्क दिए जाएंगे और हर टास्क के लिए दो जजेस आएंगे और हर जज के पास 10-10 पॉइंट होंगे, तो वो सारी लड़कियों को 10 पॉइंट देंगे और फिफ्थ एपिसोड में जो तीन सबसे लोएस्ट मार्क्स की लड़कियां हैं वो एलिमिनेट किए जाएंगे। सो देयर विल बी ओनली 12 गर्ल्स हु विल पार्टिसिपेट एट द फाइनल, हु विल बी जज्ड एट द फाइनल। ओके, ये जो जजेस होंगे वो बॉलीवुड से होंगे कि बाहर से होंगे, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, और किसके किसके होने के चांसेस अगर बॉलीवुड से होंगे? हमारे जजेस एक थोड़े मिक्स्ड बैग है, ऑफ कोर्स थोड़े से बॉलीवुड आर्टिस्ट जरूर होंगे बिकॉज दे हैड सो मच ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए इनवैल्यूएबल है, लेकिन जो मॉडलिंग के फील्ड से और जो ब्यूटी पैजेंट के फील्ड से एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी आएंगे। तो द आइडिया इज़ टू गिव द गर्ल्स अ होल राउंडेड यू नो एबिलिटी एंड एक्सपोजर टू get some tips from the best in the business. कॉम्पिटिशन हर साल बहुत टफ है और ये आसान बात नहीं है एक विनर को चूज़ करना, क्योंकि अगर एक ब्यूटी क्वीन बनाना इतनी ईजी चीज़ होती तो बहुत सारे ब्यूटी क्वीन्स आ जाते और हमारे पास बहुत सारे टाइटल्स होते, लेकिन इट्स बीन 17 ईयर्स सिंस वी हैड अ पास्ट विनर, और हमेशा कोशिश हमेशा जारी रहती है कि हम इस बार मिस यूनिवर्स का क्राउन वापस जीते। आप अभी से जज कर रही, देखा जाता मैम आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, इसका अंतर बता सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो अभी तो बस शुरुआत हुई है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये मेरी फेवरेट है, लेकिन हाँ जैसे मैं आज कह रही हूँ इन लड़कियों से, आज हमारा पहला एपिसोड शूट किया जा रहा है और मैं लड़कियों को बता रही हूँ कि जो फर्स्ट इंप्रेशन वो बनाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज जितना मैं उन्हें नोटिस करूँगी, जितना मैं ऑब्जर्व करूँगी, तो एक दो जो लड़कियाँ होती हैं जो स्टैंड आउट होती है दे विल ऑलवेज, आप हमेशा हर एपिसोड में उन दोनों लड़कियों के लिए देखोगे कि इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सो या बट देयर नो फेवरेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके मैम, इसके अलावा और कुछ टिप्स देना चाहेंगी उन्हें आप? फिलहाल आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिएगा, इट्स गोइंग टू बी एड फ्रॉम 20th October ऑनवर्ड्स, और वहाँ पर आपको जितने टिप्स चाहिए सब मिल जाएंगे इन एपिसोड्स में। थैंक यू। लारम